हम एक नया पौधा लाते हैं तो यही उम्मीद से लाते हैं कि ये हमारे घर में ढेरों फ्लावरिंग करेगा, लेकिन जैसे ही प्लांट्स आता है घर में, थोड़े दिन तक तो वो फ्लावरिंग करता है, फिर वो मुरझाने लगता है। अगर हम बिगनर हैं तो नहीं समझ पाते कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो एक काम तो आप तुरंत कर लें कि जैसे ही प्लांट लाएं तो उसकी कटिंग लगा दें। मैंने भी ढेर सारी कटिंग लगाई हैं, हालांकि मुझे ग्रो करते हुए हिबिस्कस को कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनको ग्रो करने का हो गया है, लेकिन फिर भी मैं नई नई कटिंग लगाती रहती हूँ जिससे कि प्लांट्स बढ़ते रहते हैं। तो ये देखिए, कुछ एयर लेयरिंग से किया है, प्लांट्स को ग्रो किया है और कुछ कटिंग लगाई है। तो ये जो आपने प्लांट देखा, ये वाला, ये इसी कटिंग का है और रूट्स आ चुकी थी तो इसको मैंने कट करके इसमें शिफ्ट किया है। सेम यही प्रोसीजर मैंने और भी प्लांट्स पर किए हैं। एयर लेयरिंग से कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं और अपने प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसानी से कटिंग लग जाती है। यह है कि थोड़ा सा अक्टूबर आ चुका है तो थोड़ा सा कटिंग लगाने में लेट हो गया है, लेकिन रूट्स, अगर आप कटिंग लगाएंगे तो रूट्स अभी भी आ जाएगी, नया प्लांट अभी भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सर्दियों में उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप सर्वाइव कर ले जाते हैं तो कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी मैथड है। 2-3 वीडियो इस पे मैंने शेयर किया है कि गुड़हल की कटिंग किस तरह से लगाई जाए। तो मेरे ख्याल से आपको इन प्लांट्स की लगा लेनी चाहिए कटिंग। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की, क्योंकि और जो केयर टिप्स हैं मैं सभी वीडियो में बताती रहती हूं, तो आज सिर्फ इनके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। चूँकि बारिश लगभग जा चुकी है, शायद आगे एक दो और बारिश हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। तो अब वो समय आ चुका है जब आप अपने हिबिस्कस को अच्छे से फर्टाइल कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, क्योंकि जब बरसात शुरू हुई थी तो थोड़ी बहुत जो फर्टिलाइज़र डाली थी वो जो बरसात के पानी के सहित बह गई। तो अब इनको बहुत ही अच्छा टाइम है फर्टाइल करने का, जिससे कि ये सर्दियों तक फ्लावरिंग करते रहें। तो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैं समय समय पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज भी मैं डालने जा रही हूँ एक प्लांट पर फर्टिलाइज़र, तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं, इस तरह का फर्टिलाइज़र आप भी डाल सकते हैं, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले, सबसे पहले तो ये जो घास फूस है बरसात में बहुत ही जल्दी लग जाती है, और आप देखते होंगे जब भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ तो सबसे पहले क्लीन यही घास फूस करती हूँ। तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं मुझे साफ़ करना होता है, लेकिन फिर भी ये लग जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया है और ऊपर की हम थोड़ी सी मिट्टी निकाल देंगे। अच्छा, एक मुझसे एक पूछा था कि मेरा रूट बाउंड हो गया है तो रिपोर्टिंग कर सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग तो आप ना करिए अगर आपका हाइब्रिड प्लांट है, क्योंकि ये सिर्फ दिसंबर तक फ्लावरिंग करेंगे। अगर दूसरे प्लांट में आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो रूट कट करेंगे, तो जब तक ये रूट तो ग्रोथ करेगा, नए प्लांट में शिफ्ट होगा, तब तक कि इनका सीज़न फ्लावरिंग का निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से रीपॉटिंग का तो नहीं है। इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप फर्टिलाइज़र देंगे इसको तो फ्लावरिंग में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तुरंत फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ऊपर से सिर्फ मैंने थोड़ी सी ही मिट्टी निकाली है, और मिट्टी मेरी गीली है क्योंकि छुटपुट बारिश 2-3 दिन से हो रही थी। हालांकि बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन हल्की हल्की बूंदें 3 दिन लगातार पड़ती रही हैं, तो जिसके कारण मिट्टी गीली है। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये जो बेस फर्टिलाइज़र होती है कंपोस्ट, तो इसको मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब लिया है, और ये 12 इंच का पॉट है,
तो कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट। मैंने गोबर की खाद ली है और मुझे गोबर की खाद से अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब भी ये गोबर की खाद लें तो अच्छे से डिकम्पोस्ट हो वही लें। फिर जो दूसरी चीज़ है, ये हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो हिबिस्कस होते हैं उनको ये न्यूट्रिएंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कलरफुल ब्राइट कलर के ये फ्लावर निकालते हैं, जिसके लिए इनको न्यूट्रिएंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर जो तीसरी चीज़ ली है, ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है पोटास। ऑर्गेनिक पोटास वो डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा काम करती है। बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी आप जब मिट्टी सूखी हो तभी आप डालें। मेरी मिट्टी अभी गीली है और मेरे ख्याल से अभी रुक जाना चाहिए आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र डालने में। तो अब हम ऊपर से इसकी मिट्टी कवर कर देंगे, क्योंकि ये मिट्टी मेरी थोड़ी नीचे दब गई थी तो थोड़ा नीचे हो गया था, तो थोड़ी और हम मिट्टी इसमें मिला लेते हैं और फिर इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने मिला लिया है थोड़ी और एक्स्ट्रा मिट्टी, और यही कंपोस्ट वाली मिट्टी है मेरी, तो इसको अब हम ऊपर से कवर कर देंगे। और सारी घास फूस जितनी हो वो सब निकाल देना है। अब हम इसके बाद एक स्प्रे भी करेंगे, तो स्प्रे से ये है कि प्लांट तुरंत ऑब्ज़र्व कर लेगा पत्तों के थ्रू। तो ऊपर हम ऐसे ही कवर कर देंगे, मिट्टी आप देख रहे हैं नम है, तो स्प्रे जो हम करेंगे उसी का हल्का फुल्का स्प्रे कर देंगे। तो उसके लिए मैंने ये देखे 1 लीटर पानी बॉटल में भर के रखा हुआ है, तो हाँ ये 1 लीटर की बॉटल है, उसे थोड़ा ही सा खाली है। अब हम इसमें डालेंगे सीवीड, ये जो बायोवीटा का सीवीड आता है इसका हम स्प्रे करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा गुड़हल के प्लांट्स के लिए होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और यूज़ कितना, 1 लीटर के बॉटल में करना है 1 लीटर के पानी में, तो सिर्फ हम इतना ही यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मैंने मिट्टी में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाया है, तो हम बस इतना सा ही मिक्स करेंगे। और इन फर्टिलाइज़र से प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, भर के फ्लावरिंग मिलती है। आप मेरे फ्लावर्स तो देख ही रहे हैं कितने बिग साइज़ के होते हैं और कितने ढेर सारे होते हैं, तो इन्हीं सब फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ करती हूँ। और समय समय पर इसके साथ ही साथ जो घरेलू चीज़ें होती हैं उनका भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो ऐसे ही बंद करके आप इस अपने पूरे प्लांट पर ऊपर नीचे पत्तियों पर स्प्रे कर दें, और साथ ही साथ इन फर्टिलाइज़र के अलावा घरेलू चीज़ों का भी आप उपयोग करें, क्योंकि इसके जो फ्लावर बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और अधिक मात्रा में फ्लावरिंग करते हैं, तो इसलिए इनको खाना भी उतना ही अधिक चाहिए। तो ऐसे ही हम सभी प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे, और थोड़ा सा हम मिट्टी में स्प्रे करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मिट्टी मेरी पहले से ही गीली थी, तो हल्का सा स्प्रे मैंने उस पर भी मार दिया है, और अच्छे से पत्तियों पर हम स्प्रे कर लेंगे। तो इस तरह से अपने प्लांट्स की केयर करेंगे, और भी मेरे प्लांट्स हैं उन पर भी मैं कर दूँगी, तो इस तरह से करिए। और हाँ, एक काम ज़रूर करिए, आप अपने प्लांट्स को फुल सनलाइट में ज़रूर रखें। आप मेरे देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स ऊपर छत पर रखे हैं, और यहाँ पर जितनी भी धूप होती है पूरी पूरी धूप यहाँ पर लगती है, कि आसपास में कोई दीवार भी नहीं है, कोई शेड भी नहीं है जिसके कारण को शेड थोड़ी सी मिल जाए, तो ये खुली धूप में रखे रहते हैं और अच्छे से चल भी रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने प्लांट्स की केयर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।